अगर आपने अपनी गाड़ी में सीएनजी किट को बाहर से इंस्टॉल करवाया था और उसके बाद में आपकी गाड़ी में चेक लाइट आना जारी है, तो क्यों ऐसा होता है और ऐसी चेक लाइट आने से आपकी गाड़ी में क्या फर्क पड़ता है और कब आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि अब आपकी गाड़ी में आने वाली चेक लाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, उसके बारे में आज की अपनी ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको भी ऐसी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज इस वीडियो पे बने रहिए, आपको पूरी जानकारी आज मिल जाएगी कि चेक लाइट क्यों आती है और अगर सीएनजी करने के बाद चेक लाइट आ रही है तो आपको कब उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम सभी को बताए कि जब हम अपनी गाड़ी को रेट्रोफिट करवाते हैं सीएनजी किट में, अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि जो भी हमारी गाड़ी में डैशबोर्ड में चेक लाइट है वो जलने लगती है और गाड़ी में चेक लाइट का आना हमारे दिमाग में एक घंटी बजा देता है कि भाई आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, अब आपको गाड़ी सर्विस सेंटर पे ले जानी पड़ेगी और यहाँ पे आपके पास एक मोटा फटका भी लग सकता है। पर यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि कभी कभी हमें ये चीज को नजरअंदाज कर देना चाहिए कि बेशक हमारी गाड़ी में चेक लाइट आ रही है पर हमारी गाड़ी में कोई और तकलीफ नहीं है, जैसे कि गाड़ी में मिसिंग होना या चलते चलते गाड़ी का अचानक बंद हो जाना या फिर आपकी गाड़ी में माइलेज का अचानक से गिर जाना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपकी गाड़ी में आ रही हैं तो हो सकता है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपकी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाने की जरूरत है। पर एक केस में हम बात करते हैं कि आपने जब भी अपनी गाड़ी को सीएनजी में रेट्रोफिट करवाया और उसके बाद में आपकी गाड़ी में डैशबोर्ड में चेक लाइट जल रही है और आपकी गाड़ी में ऐसी कोई तकलीफ नहीं आ रही है कि जिससे आपको चलाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे में उसको भूल के अपनी गाड़ी को एज इट इज चलाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। तो चेक लाइट को लेके मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, देखिए जब हमारी गाड़ी में कोई भी फ्यूल होता है वो बर्न होता है और वो फ्यूल जब भी एग्जॉस्ट सिस्टम में जाता है या फिर हमारी गाड़ी जो भी गैसेस पैदा करती है, तो इस समय हमारी गाड़ी में इतने सारे सेंसर्स लगे होते हैं कि जो सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और वो ईसीएम में भेजते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी एक सिंगल ऐसा सेंसर जो गलत रीडिंग ले रहा है या उसको वो रीडिंग समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे में गलत रीडिंग आने की वजह से वो ईसीएम को यही सिग्नल भेजेगा कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अब जैसे कि बता दूं, हर गाड़ी में जितने सेंसर्स लगे होते हैं उस हर सेंसर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है और वो उसी को रीड कर पाता है, अगर वो वैल्यू कम होती है या फिर ज्यादा होती है तो यहाँ पे वो ईसीएम को यही सिग्नल देगा कि ये सेंसर इस जगह से प्रॉब्लम कर रहा है। बात करते हैं कि सीएनजी सिस्टम में कौन सा सेंसर ऐसे जल्दी खराब हो जाता है। अब देखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल पे चला रहे हैं तो वहां पे कंबर्शन होने के बाद में जो भी गैसेस एग्जॉस्ट सिस्टम में जा रही हैं वो O2 सेंसर के कॉन्टेक्ट में आती हैं। अब यहाँ पे आपकी गाड़ी में जो भी O2 सेंसर लगा हुआ है और वो सेंसर हमेशा सेंस कर रहा है पेट्रोल की एग्जॉस्ट को, और ऐसे में अगर आपने अपनी गाड़ी को सीएनजी पे चला रहे हैं तो यहाँ पे जब सीएनजी आपके कंबर्शन सिस्टम में जलती है उसके बाद में जो गैसेस निकलती हैं वो सारी गैस हमारे गाड़ी में लगे हुए O2 सेंसर को समझ में नहीं आती हैं, यानी वो यहाँ पे फॉल्ट दिखा दे रहा है कि आपकी गाड़ी में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जो आगे जाके बड़ी हो सकती है। पर यहाँ पे वो प्रॉब्लम ना होते केवल सीएनजी की गैसेस होती हैं कि जो उसको जलने के बाद में निकलती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब आप सीएनजी पे अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तब चेक लाइट आ रही है, और आपने कभी ऐसा भी देखा होगा इस दौरान कि आपकी गाड़ी जब आपने चलाई हो 50-60 किलोमीटर पेट्रोल पे, ठीक है, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में जो जलने वाली चेक लाइट है वो चली जाती है, यानी यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी O2 सेंसर को या हमारी गाड़ी में लगे किसी भी सेंसर को परफेक्ट वैल्यू मिलने लगती है उसके बाद में वो ईसीएम को फिर से नया सिग्नल दे देता है कि अब सब कुछ सही है, और ऐसे में आपकी गाड़ी में जो भी डैशबोर्ड है उसमें जलने वाली चेक लाइट निकल जाती है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि सीएनजी पे चलते समय आपकी गाड़ी चेक लाइट दे रही है और थोड़ी दूर पेट्रोल पे चल रहे और ऐसे में आपकी गाड़ी में चेक लाइट चली जा रही है, तो यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसे में यूं नहीं है कि बिल्कुल अंधाधुंध होके अपनी गाड़ी को चलाते रहें। जब भी आपकी गाड़ी कभी भी सर्विस सेंटर पे जाती है, जैसे कि 8,000 से 10,000 किलोमीटर पे आप अपनी गाड़ी को सर्विस कराते हैं, तो हर सर्विस पे या फिर अगर पॉसिबल हो तो अल्टरनेट सर्विस पे अपनी गाड़ी को OBD स्कैनर से स्कैन करवाते रहें। इसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, इससे आपको ये चीज पता चल पाएगी कि प्रॉब्लम आपके O2 सेंसर में ही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, या फिर कभी कभी मान लो कि आपकी गाड़ी आप चला रहे हैं हद से ज्यादा आपको हंटिंग साउंड आ रही है या फिर इतनी ज्यादा मिसिंग आ रही है आपकी गाड़ी में जो नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी को जरूर से चेक कराएं। बस इतना ध्यान रखें कि बेशक लाइट आ रही है चेक लाइट, पर गाड़ी को चलाने में कोई अनइजी या फिर कोई ऐसी
अनवांटेड साउंड ना आए इंजन में, तब तक आप उसको चला सकते हैं। अगर कभी भी आपकी गाड़ी में अनवांटेड साउंड्स आती हैं या फिर हद से ज़्यादा वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, तो यहाँ पे आपको हमेशा आपकी गाड़ी को OBD स्कैनर से स्कैन करा के और जो भी उसमें फॉल्ट है उसको सही कराना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके गाड़ी में आने वाली चेक लाइट के बारे में, जो CNG के बाद आती है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि आपके लिए कुछ सेकंड का काम होगा और किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है।